प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पिछले पार्ट में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे और हमने उसको उसमें बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन का रे डायग्राम भी हमने दोनों आपको दिखाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए और विरल से सघन में जाए तो कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, ये सारी चीज़ हो गई थी। अब हम यहाँ एक हेडिंग का डिस्कशन कर रहे थे कि अपवर्तन न होने की शर्तें, अपवर्तन न होने की शर्तें, यानी इस हेडिंग में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किन दो स्थितियों में अपवर्तन की घटना नहीं होती है। तो उसमें हम आपको बता दें कि अपवर्तन न होने की दो शर्तें हैं। जैसे पहला, मान लीजिए ये अंतरा पृष्ठ है, इसका नाम हम MN रख दिए और नीचे इसके मान लो सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब यदि कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में इस तरह आती है कि वो अंतरा पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में या विरल से सघन में, ये मायने नहीं रखता कि सघन से विरल में जाए कि विरल से सघन में जाए, किसी से किसी में जा सकता है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल से सघन में इस प्रकार संचरित हो कि वह किरण अंतरा पृष्ठ पर यदि 90 अंश का कोण बना रही, यानी अंतरा पृष्ठ के लंबवत आ रही है, तो वह जब दूसरे माध्यम में पहुंचेगी तो बिना अपवर्तित हुए निकल जाएगी, यानी अपवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि चूंकि ये आपकी किरण ही 90 अंश बना रही है अंतरा पृष्ठ से, यही अभिलंब का भी काम कर, अभिलंब से इसका कोण 0 है, यही अभिलंब का भी काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपतन कोण भी 0 होगा, अपवर्तन कोण भी 0 होगा। तो अपवर्तन न होने की पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण यदि अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत हो, प्रकाश की किरण यदि अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत हो, यानी आपतन कोण भी 0 और अपवर्तन कोण भी 0, तो ऐसी दशा में अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक। दूसरा, यदि मान लीजिए ये अंतरा पृष्ठ है, ये अंतरा पृष्ठ है MN, और एक तरफ हमने सघन माध्यम दिखा दिया है, एक तरफ विरल माध्यम दिखा दिया है, ये विरल माध्यम दिखा दिया और ये सघन माध्यम दिखा दिया। यदि और इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए μ1 है और इसका μ2 है, यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत नहीं है, लेकिन यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक बराबर हों तो भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी, प्रकाश सीधे निकल जाएगी। यानी अपवर्तन न होने की दूसरी शर्त है दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक यदि एक समान हो तो भी अपवर्तन की घटना नहीं।
तो इस तरह हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन तो होता है, लेकिन दो स्थितियां ऐसी हैं जिनमें अपवर्तन नहीं होगा। पहला, यदि प्रकाश की किरण अंतरापृष्ठ पर लंबवत आपतित हो तो भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी, और यदि प्रकाश की किरण किसी भी कोण पर यदि अंतरापृष्ठ पर आपतित हो लेकिन दोनों माध्यमों के यदि अपवर्तनांक बराबर हो तो भी यहाँ पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो ये दो स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें अपवर्तन की घटना नहीं होती है। तो ये जो आपका पहला चैप्टर रहा प्रकाश का सामान्य परिचय, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाई स्कूल लेवल के लिए इतना हमको लगता है कि काफ़ी है। तो आज हम लोग जो लाइट यूनिट पढ़ रहे हैं उसका एक जो परिचय वाला चैप्टर था वो हम कंप्लीट मान लिए, कंप्लीट समझिए हाई स्कूल लेवल के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। तो चैप्टर टू लिख लीजिए, चैप्टर टू, समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये आपका चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग पढ़ी जाए, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हेडिंग डाल लो। बहुत सारे प्रयोगों और उन प्रयोगों के प्रेक्षणों द्वारा महान वैज्ञानिक स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम लिया जिसे हम स्नेल के नियम से जानते हैं, और उन्हीं दोनों नियमों की पढ़ाई हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो दो नियम दिए वो दोनों नियम उनके द्वारा किए गए विविध प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि स्नेल का नियम भौतिकी के किसी सिद्धांत से ले लिया गया या किसी वैज्ञानिक द्वारा दिए हुए सिद्धांत से ले लिया गया, ऐसा नहीं है। स्नेल ने खुद बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के बाद जो उन्हें महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई दिए उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों को बताया, जिसे हम लोग स्नेल के नियम के हेडिंग नाम से पढ़ते हैं। स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे। तो यहाँ आप लोग इतना ही लिख लीजिएगा इसमें कि विविध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक स्नेल ने दो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम दिए जो निम्न है। अब इसमें प्रथम नियम, अच्छा ये जरा फिगर से भी देख लिया जाए तब प्रथम नियम समझा जाए। जैसे मान लीजिए ये एक अंतरापृष्ठ है एमएन, और इधर हमने मान लिया सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये मान लीजिए माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। एक प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, ये आपतन बिंदु हो गया। अब प्रकाश की किरण हमने बताया था कि सीधे नेचर तो है सीधे जाने का, तो सीधे जाना तो चाहेगी, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद माध्यम बदल गया है इसलिए प्रकाश अपने वास्तविक पथ से गुजरेगी नहीं, अपने पथ से भटक जाएगी, और भटक के किधर जाएगी यही जानने के लिए हम लोग ये अभिलंब खींचते हैं।
तो हमने ये अभिलंब खींच दिया, अभिलंब, और ये आपतित किरण है, और ये तो अब प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ आ जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो गई। ये हम बता चुके हैं पहले आपको, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अब स्नेल ने अपने पहले नियम में यह बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर एक बार सुन लो, स्नेल के प्रथम नियमानुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यही स्नेल का प्रथम नियम है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेना, इस नियम के अनुसार, डैश देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, स्नेल का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में स्नेल ने बताया, यहां भी ऐसे ही लिखना है आपको, कि इस नियम के अनुसार, डैश दे देना फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो बता रहे लिखना। स्नेल ने अपने दूसरे नियम में यह बताया कि ये जो आपतन कोण है आई, इसका साइन, और ये जो अपवर्तन कोण है इसका साइन, दोनों का अनुपात दिए गए माध्यमों के लिए सदैव नियत रहता है, दिए गए माध्यमों के लिए सदैव नियत रहता है। या बाद में स्नेल ने देख निकाला कि ये जो नियत अंक है यह द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो इसलिए इसको आप लिख सकते हो, यहां नियत जो शब्द आया है ना, नियतांक, यहां स्नेल ने बताया बाद में कि यह नियतांक द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम के सापेक्ष के बराबर है, द्वितीय का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह कभी भी स्नेल का दूसरा नियम लगाना हो तो आप क्या करोगे कि आपतन कोण का साइन ले लोगे ऊपर और अपवर्तन कोण का साइन ले लोगे नीचे, बराबर द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, ये निकालना है। अब यहां पर एक नई हेडिंग आ गई, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है, कैसे लिखते हैं, कितने तरह की होती है, इन सभी चीजों की चर्चा हम इस हेडिंग के बाद ही कर देंगे, अभी इस हेडिंग के बाद कर देंगे। तो इस तरह से स्नेल का नियम यदि लिखने को आपको एग्जाम में आता है तो फिर एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि महान वैज्ञानिक स्नेल ने अपने विविध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम दिए जिन्हें हम स्नेल का नियम कहते हैं। प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये स्नेल का प्रथम नियम हो गया। स्नेल के द्वितीय नियम में आप लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात दिए गए माध्यमों के लिए सदैव नियत रहता है, और यह नियतांक द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये लिखकर ये लिख लेना है, ये फिगर बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से स्नेल का प्रथम नियम हो गया और स्नेल का द्वितीय नियम हो गया। अब इसमें हमने बताया है कि जो एक नई राशि आई है अपवर्तनांक, इसके विषय में हम बता दें, नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्नेल के नियम के बाद आप हेडिंग डाल लीजिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसकी इंग्लिश होती है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू बच्चों।